आसन के लिए रोटी बना रही हूँ, अपने लिए पराठा बनाना है मुझे, इसलिए क्योंकि ना वो मौसम को इतना तेज़ बुखार हो रहा है, सुबह उठे हूँ तो इतना तेज़ कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इतना तेज़ मेरे मियाँ जी को बुखार हो रहा है। और एक ब्लॉग के लिए यही होता है, और एक पराठा बना रही हूँ, उनको दवाई दी है, मैंने उठ के गरारे करवाए हैं बहुत, बैठी हुई मात के पास नाश्ता कर रहे हैं अभी, और इनको देख रहे हो बुखार हो रहा है, देख रहे हो बुखार वाली शक्ल, मेरे मियाँ को इतना तेज बुखार हो रहा है। A few moments later. उसने यार मैं घर आ गई थी मम्मा घर से, और मासिन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है, हाथ की भी दोनों सो रहे हैं, उनको आके दवाई ववाई दी, वो सोए, फिर अब मैंने उनके लिए बनाई है खिचड़ी, ये अपने लिए चटनी बनाई है मैंने, और मासिन के लिए मैंने और रायता और सलाद बनाई है। बस अगर मैं थोड़े लेट हूँ, थोड़े बहुत मौसम सो रहे हैं इतने वो उठ जाते हैं, जब तक लेटती हूँ मैं, फिर हम लेट के फिर उठ के खाना खाते हैं। और आप प्लीज़ मेरे, मुझे पता है ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत मज़े के ब्लॉग्स हैं ये वाले, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ 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 प्लीज, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। बाय। क्या कर रहे हो महात, महात पार्टी कर रहे हैं, महात महात मम्मा इज कॉलिंग यू, ही इज बिजी, महात खा गले। जिन से मैं मम्मा के घर से आई हूँ ना, तब से मेरी मियाँ को इतनी तबीयत खराब हो रही है, बुखार हो रहा है इतना तेज, आज थर्ड डे हो गया है, आज थर्ड नाइट हो गई है, मेरी मियाँ को देख रहे हो कितना तेज बुखार हो रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा। मैं इनको रख रही हूँ पट्टियाँ, पानी है ना, दवाइयाँ ये नहीं, मौसम की नज़र लग गई मेरी मियाँ को, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा गर्म। मौसम को पैम्पर करते करते मेरी खुद की भी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, मुझे बुखार, नज़ला, खांसी, गले में दर्द शुरू हो चुका है, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। पता है मेरे जितने भी करीबी लोग हैं ना, वो सब मुझे मना करते हैं व्लॉगिंग नहीं करा करो, नज़र ये वो ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन प्लीज़ आप लोग माशाल्लाह बोल दिया करें, प्लीज़ प्लीज़ बस दुआओं में याद रखा करें और सबके लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। कल मौसम की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, आज मेरी मौसम को भी ड्रिप लगी है, अभी मैं भी जाऊंगी डॉक्टर के यहाँ, आज अभी व्लॉग नहीं अपलोड करी, एडिट करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है, अभी मौसम भी मेरे सर पे पट्टियाँ रख रहे हैं, मौसम की बहुत तबीयत ख़राब थी आज, मौसम कल ड्रिप लगी था, थोड़े बेहतर हैं, अब मैं भी जाऊँगी ड्रिप लगवाने, मौसम को बुखार चढ़ा हुआ या मुझे बुखार चढ़ा हुआ, मौसम मेरे पट्टियाँ रख रहे हैं, एक ही व्लॉग है इतना लंबा चले जा रहा है, इतना शदीद बुखार हो रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती, मासन को भी दोबारा चल रहा है। तो मैं अभी आप लोग को क्लियर कर देती हूँ, सबसे बहुत मेरे फ्रेंड्स के मैसेज आ रहे थे सबके, यार मम्मा के घर गए थे, मैंने व्लॉग डाला था, तो मौसम को पता नहीं वहाँ से रात को ही ना दुकान से जब मम्मा की तरफ आए तो मौसम को बहुत बहुत हाई फीवर हो गया था सुबह, तो हमें घर भी आना था क्योंकि हमें दो दिन हो गए थे वहाँ, तो मैंने बोला चलें हम घर चलते हैं, तो फिर हम लोग थोड़ी मौसम ने टैबलेट वगैरह का हिम्मत करके घर आ गए, ऑन दैट डे मौसम चले गए शॉप पर, उसके बाद आके मौसम को इतना तेज़ बुखार, इतना तेज़, फिर मेडिसिन वगैरह जो पैनाडोल पैनाडोल लेता है ये कम हेयर, फिर उसके बाद क्या कहते हैं मैं मौसम को ड्रिप लगवाने गई क्योंकि उनका फ़ीवर कम नहीं हो रहा था, तो फीवर की जो ड्रिप होती है मौसम की वो लगवाई, फिर बस इनको ड्रिप लगवा के आई हूँ, और मुझे इतनी सर्दी चढ़ी, इतनी सर्दी, इतनी सर्दी, संडे ठंडे का दिन तो हमारा गुजर ही गया था, संडे को रात को मौसम की तबीयत बेहतर हो गई थी, मंडे की मॉर्निंग में हमने इनको ड्रिप लगवाई, ड्रिप लगवा के हम घर आए, फिर उसके बाद क्या कहते हैं पूरा दिन मेरी बुखार उतर नहीं रहा है, संडे को ही हाँ इतना हाई फीवर, इतना हाई फीवर कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मंडे को सबका ऑफ था यानी, फिर इतना हाई फीवर मुझे नहीं उतरा, फिर इनकी भी बहुत तबीयत खराब हुई, फिर हम दोनों चले गए मेरी अम्मी के घर क्योंकि मौसम की मामा की बहुत बुखार चढ़ा हुआ है उन्हें भी बहुत ना, और इतने दूर जाने का मसला समझ नहीं आ रहा था क्या करें, बहुत बहुत अजीब कंडीशन हो गई घर की, अभी भी मुझे बुखार हो ही रहा है, इनको भी हो रहा है स्टिल, अभी देखो मैंने 1000 cc दोनों के लिए अलग अलग करके रखी है, फिर हम दो दिन अम्मी के रुके, कल रात भी मौसम की ड्रिप